प्लस वन स्टूडेंट्स इन बिजनेस स्टडीज नाउ वी लर्न अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे बिजनेस में बिजनेस को चलाने के लिए हमारी डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स होती हैं, उनमें से आप कोई भी सिलेक्ट करके बिजनेस कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले आता है हमारा प्राइवेट सेक्टर, उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर, उसके बाद आता है ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर मींस जिसमें केवल आप हैं, आपके साथी हैं, आपके घर के लोग हैं, उसको हम प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। जैसे इसके अंदर आता है सोल ट्रेड, मैं अकेला अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूं, सारी की सारी कैपिटल मेरी खुद की है, सारे प्रॉफिट्स भी मेरे होंगे, सारे लॉस भी मेरे होंगे, सारी मैनेजमेंट एक्टिविटीज भी मेरी होंगी, तो सारा का सारा डिसीजन मेरा खुद का होगा, इसको हम सोल ट्रेड कहते हैं। ये नॉन इनकॉर्पोरेटेड होता है, यानी कि इसका रजिस्ट्रेशन करवाना भी कंपलसरी नहीं है, ये मेरी विल पर डिपेंड करता है कि मैं इसका रजिस्ट्रेशन करवाऊं या ना करवाऊं। उसके बाद आपका आता है पार्टनरशिप। अब हम इसके लिए एक्ट एप्लीकेबल करते हैं 1932, जिस बिजनेस में दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करते हैं और उनका मेन मोटो होता है बिजनेस करना और उससे प्रॉफिट कमाना और उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, इस पर हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वो कहलाती है हमारी पार्टनरशिप। और इसमें हमारे बच्चों आज की जो लेटेस्ट फॉर्म है वो मिनिमम होते हैं 2 और मैक्सिमम होते हैं 50। इसके बाद होता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आपने देखा होगा कई फैमिलीज आज भी हमारे देश में ऐसी हैं जो एक ही परिवार मिलकर सारी बिजनेस को ड्राइव करता है और उनके बीच में उनका एक हेड होता है, हेड ऑफ द फैमिली होता है जिसको हम मुखिया कहते हैं, और उसकी गाइडेंस में, उसके कंट्रोल में सारा का सारा बिजनेस चलता है। ये देखने को मिलेगा ओनली इन इंडिया, इसे हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। इसके बाद होता है ज्वाइंट वेंचर, जब दो या दो से अधिक लोग मिलकर एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए व्यापार करते हैं, उसे हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। अब आप कहोगे जी पार्टनरशिप पर इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें एक ही सबसे बड़ा डिफरेंस है कि पार्टनरशिप में पर्टिकुलर टाइम नहीं होता, पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट नहीं होता, परंतु ज्वाइंट वेंचर में आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे दो पार्टनर हैं, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया, जैसे ही वो बिल्डिंग का काम फिनिश हो जाएगा उसका जो भी रिजल्ट होगा, प्रॉफिट या लॉस, वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, फिर एक बार उनकी पार्टनरशिप खत्म, दोबारा से फिर वो बनना चाहें तो बन सकते हैं, एक बार उन्हें फिनिश करनी पड़ेगी, इसे हम ज्वाइंट वेंचर कहते हैं। इसी प्रकार से अगली फॉर्म आप देख रहे हो, इसके बारे में, सभी के बारे में हमारे पूरे पूरे चैप्टर है, कोऑपरेटिव एंटरप्राइजेज होते हैं और ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज होती हैं। कंपनीज के बारे में आपने सुना होगा, उसके लिए एक्ट एप्लीकेबल होता है, पुराना एक्ट है हमारा 1956 और आजकल जो लेटेस्ट आ गया वो आ गया 2013। इसके बारे में हम आपको सिखाएंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, वो कैसे अपनी शेयर कैपिटल को गैदर करते हैं, वो अपने कैसे प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पूरा चर्चा करेंगे हम। पब्लिक सेक्टर के अंदर हमारी यही आते हैं हमारे डिपार्टमेंट वाइज अंडरटेकिंग्स, कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे होते हैं जो उनकी गाइडेंस में ही पूरा का सारा सारा बिजनेस चलाते हैं,
जैसे आपने देखा होगा हमारे देश में रेलवे डिपार्टमेंट है, वो रेल मिनिस्टर के अंडर चलता है, तो उसको हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स कहते हैं। इसी प्रकार से हमारे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिसमें केवल गवर्नमेंट की कैपिटल होती है, प्राइवेट व्यक्तियों की कोई भी कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, उन पर पूरा का पूरा होल्ड पूरी की पूरी कंपनी पर गवर्नमेंट का होता है, 100% गवर्नमेंट का होता है, उसको हम गवर्नमेंट कंपनीज कहते हैं। और जब हमारी पब्लिक आम लोग आप लोग उसके मेंबर बन सकते हैं, शेयर होल्डर बन सकते हैं, तो वो बन जाता है हमारी पब्लिक कंपनी। और कई बार आपको देखने को मिलेगा ये दोनों मिलकर, जिसमें पब्लिक का पार्ट भी होता है और सरकार का पार्ट भी होता है, दोनों मिलकर अपना व्यापार चलाते हैं, उसको हम ज्वाइंट सेक्टर कहते हैं। उसमें फिर ये देखने वाली बात ये होती है कि मोर देन 50% पार्ट किसका है। अगर मोर देन 50% गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का होल्ड उस पर ज्यादा रहता है और गवर्नमेंट कंपनीज की कैटेगरी में चली जाती हैं। तो ये होते हैं हमारे ज्वाइंट सेक्टर। डिफरेंट टाइप की फॉर्म्स होती हैं, उनको हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। आज हम आपसे थोड़ी सी बात करने जा रहे हैं सोल ट्रेड के ऊपर। सोल ट्रेड क्या होता है? ऐसा व्यापार जिससे केवल एक व्यक्ति करता है। देखो बच्चों, जब हमारा बिजनेस बिल्कुल हम पुराने समय में चले जाए तो बिजनेस था ही नहीं, तो लोग एक दूसरे के साथ वस्तुओं का केवल ट्रांसफर करते थे। वो आपने 10th लेवल पर पढ़ा, हमारे घर में गेहूं ज्यादा है और आपके पास चावल ज्यादा है, हमने अपनी गेहूं आपको दे दी, उसके बदले में चावल ले लिया, इसे हम बार्टर सिस्टम कहते थे। बाद में नई नई इन्वेंशंस हुई, उस इन्वेंशंस के बाद हमारा बिजनेस टूर हुआ, हमारी मनी उसके ऊपर हमारा सारा का सारा काम चलने लगा। आज हम कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसके बदले में हम पैसे देते हैं और अपनी चीज लेते हैं। मुझे चीनी चाहिए, मैं पैसे दूंगा और व्यापारी मुझे उसके बदले में शुगर देगा। इसी प्रकार से मैं किसी को सर्विसेज दूंगा, वो उसके बदले में मुझे पैसे देगा। तो इस तरह से हमारे ट्रांजेक्शन होने लगे और सबसे पहला रूप हमारा फॉर्म चलकर आया, दैट इज कॉल्ड द सोल ट्रेड। और सोल ट्रेड के बारे में हम आपको कल बताएंगे पूरी तरह से कि सोल ट्रेड क्या है, उसकी डेफिनेशंस कैसे लिखनी है, उसकी आपकी मेरिट्स क्या हैं, उसकी डीमेरिट्स क्या हैं। आज आपने ये फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा चार्ट तैयार करना है और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जो मैंने आपको बताया है वो लिखने की कोशिश करनी है। बुक में से पढ़ के लिखें, अपने दिमाग से सोचें कि वास्तव में ये चीज होती है जो सर ने बताई है। डेट्स ऑल।